विख्यात कामगार नेता अभिजीत राणे का वर्चस्व लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। मजदूरों के हित में लड़ाई लड़ने वाली एक मेवधड़क कामगार यूनियन को नेतृत्व कर आज लाखों मजदूरों के हितचिंतक बन चुके हैं अभिजीत राणे। आज कांदिवली पूर्व स्थित ठाकुर कॉम्प्लेक्स में धड़क ऑटो टैक्सी चालक मालक यूनियन जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस कार्यालय का विधिवत उद्घाटन कामगार नेता अभिजीत राणे के हाथों हुआ। इस मौके पर पहुंचे तमाम रिक्शा व टैक्सी चालक बंधु बेहद खुश नजर आए। धड़क की शाखाएं लगातार अब बढ़ रही हैं। खास बात करें तो ऑटो और टैक्सी चालक मालक अब तक तकरीबन 5,000 से अधिक की संख्या में जुड़ चुके हैं। इस उद्घाटन समारोह में कामगार नेता अभिजीत राणे के साथ साथ पूर्व विधायक रमेश सिंह ठाकुर, नगर सेविका सुनीता यादव, शिवदयाल मिश्रा सहित धड़क कामगार यूनियन से जुड़े हजारों पदाधिकारी व सदस्य मौजूद थे। समय नेशनल, मुंबई। लोग जुड़ रहे हैं क्या कहना? निश्चित तौर पर रिक्शा और टैक्सी, इसका नेतृत्व शरद राव जी करते थे। उनका देहांत होने के बाद एक वैक्यूम ये रिक्शा और टैक्सी वालों के बीच में था, और उसके बाद एक अच्छी नेतृत्व जो लोगों को सेवा करे पूरे तन मन धन से। उनकी समस्याएं इतनी हैं, उस समस्याएं पूरी करने के लिए एक अच्छी टीम की ज़रूरत है जो धड़क कामगार यूनियन के पास है। और मुझे पूरा विश्वास है हमारी मुंबई में जो कार्यरत टीम है, जिसके प्रमुख विजय जी है, शिवदयाल जी है, गुड्डू जी है, उनके नेतृत्व में पूरे मुंबई में यहाँ पर बांद्रा से लेके दहिसर तक, वहाँ पर मुलुंड सायन से से लेके थाना तक एक बहुत बड़ी लहर आपको देखने मिल रही है। लगभग पिछले 3 महीने में 5,000 से अधिक हमारे रिक्शा ड्राइवर, चालक, मालक हमारे सभासद बने हैं। टैक्सी वालों में भी उतनी ही क्रेज़ है जितनी रिक्शा वालों में है। टैक्सी वाले लगभग आज 2,500 के आसपास पहुँचे हुए हैं। उनकी सबसे बड़ी समस्या जो है वो उबर ओला टैक्सी के वजह से है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में उबर और ऐसे प्राइवेट टैक्सी ऑपरेटर्स जो है उनको हम सही राय देने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे काले पीले टैक्सी वालों के ऊपर अन्याय होता है तो एक बहुत बड़ी लड़ाई ये उबर और प्राइवेट टैक्सीज के खिलाफ हम खड़ी करने वाले हैं। ये एक शुरुआत है, अभी ये हमारा संगठन बन रहा है, बढ़ रहा है, और आने वाले समय में महाराष्ट्र में आम्ही सगळे कामगार चळवळीमध्ये काम करतो, कामगारांसाठी काम करतो, हातावरती जो हात पर काम करने वाले लोग हैं उनके लिए हम काम करते, उसमें से एक ये यूनिट है। लगभग मुंबई शहर में, सिर्फ मुंबई में 2-2.5 लाख वर्कर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। मैं आज ये कांदिवली ठाकुर कॉम्प्लेक्स में जो ये ऑफिस का इनॉग्रेशन हुआ उसका पूरा श्रेय जो है वो हमारे विजय मिश्रा और उनके टीम को देता हूँ। और आने वाले समय में एक अच्छी यूनियन आपको देखने मिलेगी जो सचमुच सिर्फ संप नहीं पुकारेंगी, वो रिक्शा वालों के हित में सोचेंगी। आज रिक्शा वाले भी स्किल ड्राइवर्स हैं और मैं चाहूँगा कि इनको पेंशन और बाकी के फैसिलिटीज़ भी हम उपलब्ध करके देंगे। ऐसे बहुत से चीज़ों पर हमारा विचार चल रहा है, हमारी पढ़ाई चल रही है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में दिन ब दिन हमारी ताकत बढ़ रही है। मुंबई शहर में 3, 3.5, 4 लाख रिक्शा वाले अलग अलग शिफ्ट में काम करते हैं। वो सभी लोगों को मैं अपील करूँगा कि एक बैनर के नीचे आप सब लोग संगठित होकर धड़क कामगार यूनियन के लिए काम करें, धड़क टैक्सी रिक्शा मालक चालक यूनियन के लिए काम करें। आपके उज्जवल भविष्य के लिए ये एक ही पर्याय है, निश्चित तौर पर यूनियन आपके सेवा में खरी उतरेगी। जी सर, आज पीएम मोदी जी का जन्मदिन भी और इस खास मौके पर आपने ऑफिस की ओपनिंग की, तो क्या आपने ये चीज सोचा था कि इस दिन पे करना है कि आपने यूं ही 365 दिन अलग अलग जगहों पर यूनियन के अलग अलग यूनिट्स के इनाग्रेशन होते हैं। यह संयोग है कि नरेंद्र मोदी जी का आज बर्थडे है, उनको भी हमारी तरफ से यूनियन की तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। और हर जो हमारा कार्यकर्ता है वो हर दिन उसके लिए हर दिन बर्थडे है, क्योंकि यूनियन का काम इतने जोरों शोरों से हो रहा है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में आज कामगारों के लिए एक अच्छी यूनियन, आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि धड़क कामगार यूनियन एक नॉन पॉलिटिकल यूनियन है जो कोई भी राजनीतिक पक्ष से जुड़ी हुई नहीं है।
जो सिर्फ और सिर्फ कामगारों के हित के लिए काम करते हैं। आपने ओला और उबेर की जिस तरह से बात की, तो अगर रिक्शा चालकों की बात की जाए तो आजकल ऐसे भी बहुत सारे रिक्शा चालक हैं जो जब उन्हें कहा जाता है कहीं जाने को तो कहीं ना कहीं ना बोल देते हैं या वो अपनी डिमांड रखते हैं, तो लोगों के लिए ओला और ये सब बहुत अच्छी सुविधा हो गई, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता रिक्शा चालकों के लिए भी कहीं ना कहीं कुछ लोग गलत चीज़ों कर रहे हैं जिसकी वजह से पब्लिक को ओला और उबेर भी यूज़ करना पड़ रहा है? मैं डेवलपमेंट के विरोध में नहीं हूँ, मगर जो हमारे हक है, जो अनेक सालों से हमारे रिक्शा वाले टैक्सी वाले जिस प्रकार से मुंबई वासियों के लिए सेवा दे रहे हैं, उनका कंसिडरेशन होना चाहिए, उनका भी सोच विचार होना चाहिए। हम भी टैक्सीज में कुछ मॉडर्नाइजेशन लाएंगे, रिक्शाज में भी मॉडर्नाइजेशन लाएंगे। हमारे पास, हम सरकार के साथ चर्चा कर रहे हैं, हमारे रिक्शा वालों के साथ में हमारा चर्चा विचार विनिमय हो रहा है। पिछले बार 2-3 साल पहले टाटा नैनो का मर्जर होने वाला था, उसको रिक्शा बनाने वाले थे, उसमें एसी और अलग अलग सर्विसेज इंट्रोड्यूस होने वाली थी। ऐसे बहुत से स्कीम्स महाराष्ट्र सरकार के पास रोज आते हैं, उसके ऊपर अंबल बजावनी हो नहीं रही है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है और ये क्रांति धड़क कामगार यूनियन ही लाएगी। सर, कारण ये है कि मैं आज 15 साल से शरद राव के यूनियन में था, मुंबई उपाध्यक्ष। सर, क्या है कि राव साहब जब तक थे तब तक काम होता था, राव साहब के जाने के बाद जो उधर काम काज रिक्शा वालों जाओ गाड़ी पासिंग के लिए, क्योंकि यूनियन का काम है कि रिक्शे वालों को सेवा देना। अभी जैसा गाड़ी पासिंग हुआ, दलाल लोग 1200-1500 लेते, यूनियन खाली गवर्नमेंट फीस लेती है और यूनियन जो आरटीओ में काम करने वाले उनको पगार देती है और 160 रुपये में एक साल सेवा देती है। मतलब पुलिस स्टेशन, ट्रैफिक, कुछ भी समस्या है 24 घंटे यूनियन उनके पास खड़ी रहती है। इसलिए अपना धड़क यूनियन और साहब का सहयोग, चूँकि काम रिक्शा वालों को काम चाहिए, सुख दुख में खड़ा रहना चाहिए, वो चीज़ वो सुविधा उसमें नहीं थी। आज साहब का हाथ है, अपना 24 घंटा सेवा रिक्शा वालों को एक साल के लिए 160 रुपये में सेवा यूनियन देती है। आज जो परमिट दलाल लोग ने 30,000-35,000 रुपये में निकाल के दे रहे हैं, कालाबाजारी चल रही ऑफिसर को और एजेंट को थ्रू, आज हमारी यूनियन 1,000 से 1,500 रुपये संघर्ष निधि लेके आज परमिट दी है, कम से कम 150 परमिट निकाली, तो आज वो रिक्शा वाले का 25,000 से 30,000 रुपया हर व्यक्ति का बचा। सबसे बड़ा काम अपना रिक्शे वालों का, कुछ भी काम है, आरटीओ का काम है, लाइसेंस रिन्यूअल है, गाड़ी पासिंग है, मीटर पासिंग में जाओ उधर दलाल लोग खड़े हैं, 300 दे तेरा गाड़ी पासिंग होएगा, नहीं नहीं होएगा, लेकिन अपना धड़क का लोगों देखने के बाद वो बोलता है धड़क का यूनियन है, उसको पैसा मत मांग, उसको पासिंग करके दे। तो अपना एक काम करने का शैली दोनों आरटीओ में है, अपना 1 रुपया देते नहीं है ऑफिसर को, 1 रुपया हम लोग अपना रिक्शे वाले से लेते भी नहीं, हम लोग 160 रुपये में 365 दिन काम करते हैं, सेवा करते हैं। सर, कार्यदक्ष बनाया गया जी, रिक्शा चालकों का सबसे बड़े जो इन्होंने आज ऑफिस यहाँ पे खोला है, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोगों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे नगर सेवक हमारे पास सारी समस्या आती है, न कि सिर्फ BMC के वर्क के अलावा बहुत सी ऐसी समस्या जो लोकल होती है वो हमारे पास आती है, तो हम लोग रिक्शा वालों के जो सब्जेक्ट रिलेटेड होता है तो हम सोचते हैं कि हम किससे कांटेक्ट करें, इनका कौन अध्यक्ष होगा, कौन क्या होगा, तो ये सब पता नहीं होता है, तो हमको पता करके कहीं और कांटेक्ट करो, वाया जाना पड़ता है। एक अच्छा जरिया है, ठाकुर कॉम्प्लेक्स में इन्होंने खोला है, तो हमको एक ईजी वे मिल गया है कि अपनी समस्या इनको बताएंगे तो हमारे जल्दी सॉल्यूशन हो, लोगों के सॉल्यूशन को हम फटाफट सॉल्व कर देंगे। अपनी समस्याओं की बात की तो समस्याएं बहुत होती है, लेकिन अगर ठाकुर कॉम्प्लेक्स की या कांदिवली की बात की तो सबसे बड़ी समस्या आपको कौन सी लगती है जो लोगों की सबसे पहले दूर करनी चाहिए? सबसे पहले तो व्हीकल्स प्रॉब्लम यही है कि लोग, हर कोई के पास गाड़ियां नहीं होती है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास, सभी लोगों के पास गाड़ियां नहीं होती, जो ट्रेन से सफ़र करते हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि हमें ट्रेन से उतरने के बाद हमको घर जाने की जल्दी होती है, तो हम चाहते हैं कि ट्रैफिक में ना अटकते हुए हम फटाफट अपने अपने घर को रवाना हो जाए शाम को, और दोपहर को सुबह स्कूल में कॉलेज में जाने वाले लोग रहते हैं, तो इस तरह तो हमें रिक्शा की सबसे ज़्यादा जो लोकल व्हीकल्स हमारे पास है वो रिक्शा सबसे इजी अवेलेबल होती है, तो ये चीज़ हम चाहते हैं कि वो बहुत इजीली मिल जाए। तो आज PM मोदी जी का जन्मदिन है, तो इस खास मौके पे आप क्या कुछ विशेष देना चाहेंगे और आपकी तरफ से उनके जन्मदिन पे क्या कुछ खास होने वाला है? उनके जन्मदिन पे अच्छा है, इन्होंने आज यहाँ पे एक ऑफिस, यहाँ पे हमारे लिए समस्या जो भी आती है उसका निवाकरण करने के लिए एक ऑफिस खोले हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ रिक्शा चालकों को। और जो कांदिवली की समस्या है वो रिक्शा की, यहाँ के ठाकुर कॉम्प्लेक्स में हमारे पास में रिक्शा डायरेक्टली वहाँ से नहीं है, तो
तो लोग हमारे पास ये प्रश्न लेकर आते हैं कि एक रिक्शा स्टैंड हमें ठाकुर कॉम्प्लेक्स में स्टेशन तक ड्रॉप करने की और वहाँ से स्टेशन से यहाँ पे ड्रॉप करने की शेयरिंग रिक्शा अपॉइंट की जाए। तो मैं इन लोगों के पास में यह प्रश्न रखी हूँ और आने वाले दिनों में इनको यह सॉल्व करके देने की कोशिश करूँगी। मोदी जी के जन्मदिन पर यह ठाकुर कॉम्प्लेक्स वालों के लिए एक उपहार जैसे हो जाएगा। मुझे ने बुलाया था, हमारे इधर जो ऑटो स्टैंड था, रिक्शा का काम था, आपको मालूम नहीं होगा 20 साल मैं वहाँ पे स्थानिक रहवासी हूँ, आज नगर सेवक हूँ। 20 साल में हमारे यहाँ कभी भी ऑटो की लाइन नहीं लगती थी, हमेशा मारामारी होती थी, ये करना वो करना, आगे पीछे जाते थे। लेकिन आज हमारे यहाँ जो मिश्रा जी हैं उनके सहयोग से, पूरे यूनियन की सहयोग से हमारे लोखंडवाला में और क्रांति नगर में एक अच्छी लाइन बनी कि लाइन से हिसाब से हर ऑटो में तीन तीन आदमी बैठ के जाते हैं, लोगों को भी सुविधा होती है और ऑटो वालों को भी कुछ सुनना बिनना जो लोग सुनाते हैं वो सुनना नहीं पड़ता है और सब एक लाइन से जाते हैं, इसलिए उनके उनमें आज शिस्त दिखती है। हम सोचते हैं कि ये ऑटो वाले पढ़े नहीं लिखे होते नहीं होते हैं, फिर उनके बोल चाल में ढंग नहीं होते हैं, लेकिन आप आज मेरे इधर देखेंगे तो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा कि सब एक लाइन से खुद खड़े रहते हैं। पहले कुछ दिन हम खड़े रहे, लेकिन अभी हमें बिल्कुल खड़ा नहीं रहना पड़ता है, वो खुद लाइन से ही तीन तीन आदमी लेके जाते हैं बिना तकरार से। जी, रिक्शा चालकों का सबसे बड़े जो इन्होंने आज ऑफिस यहाँ पे खोला है, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोगों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे नगर सेवक हमारे पास सारी समस्या आती है, न कि सिर्फ BMC के वर्क के अलावा बहुत सी ऐसी समस्या जो लोकल होती है वो हमारे पास आती है। तो हम लोग रिक्शा वालों के जो सब्जेक्ट रिलेटेड होता है तो हम सोचते हैं कि हम किससे कॉन्टेक्ट करें, तो इनका कौन अध्यक्ष होगा, कौन क्या होगा, तो ये सब पता नहीं होता, तो हमको पता करके कहीं और कॉन्टेक्ट करो, वाया जाना पड़ता है। एक अच्छा जरिया ठाकुर कॉम्प्लेक्स में इन्होंने खोला है, तो हमको एक ईजी वे मिल गया है कि अपनी समस्या इनको बताएंगे तो हमारे जल्दी सॉल्यूशन हो, लोगों के सॉल्यूशन को हम फटाफट सॉल्व कर देंगे। जैसे अपनी समस्याओं की बात की तो समस्याएं बहुत होती है, लेकिन अगर ठाकुर कॉम्प्लेक्स की या कांदीवली इसकी बात की तो सबसे बड़ी समस्या आपको कौन सी लगती है जो लोगों की सबसे पहले दूर करनी चाहिए? सबसे पहले तो व्हीकल्स प्रॉब्लम यही है कि लोग हर कोई के पास गाड़ियां नहीं होती है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास, सभी लोगों के पास गाड़ियां नहीं होती। जो ट्रेन से सफ़र करते हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि हमें ट्रेन से उतरने के बाद हमको घर जाने की जल्दी होती है, तो हम चाहते हैं कि ट्रैफिक में ना अटकते हुए हम फटाफट अपने अपने घर को रवाना हो जाए शाम को, और दोपहर को सुबह स्कूल में कॉलेज में जाने वाले लोग रहते हैं, तो इस तरह तो हमें रिक्शा की सबसे ज़्यादा जो लोकल व्हीकल्स हमारे पास है वो रिक्शा सबसे इजी अवेलेबल होती है, तो ये चीज़ हम चाहते हैं कि वो बहुत इजीली मिल जाए। आज PM मोदी जी का जन्मदिन है, तो इस खास मौके पे आप क्या कुछ विशेष देना चाहेंगे और आपकी तरफ से उनके जन्मदिन पे क्या कुछ खास होने वाला है? उनके जन्मदिन पे अच्छा है, इन्होंने आज यहाँ पे एक ऑफिस यहाँ पे हमारे लिए समस्या जो भी आती है उसका निवारण करने के लिए एक ऑफिस खोले हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ रिक्शा चालकों को। और जो कांदीवली की समस्या है वो रिक्शा की, यहाँ के ठाकुर कॉम्प्लेक्स में हमारे पास में रिक्शा डायरेक्टली वहाँ से नहीं है, तो लोग हमारे पास ये प्रश्न लेकर आते हैं कि एक रिक्शा स्टैंड हमें ठाकुर कॉम्प्लेक्स में स्टेशन तक ड्रॉप करने की और वहाँ से स्टेशन से यहाँ पे ड्रॉप करने की शेयरिंग रिक्शा अपॉइंट की जाए। तो मैं इन लोगों के पास में यह प्रश्न रखी हूँ और आने वाले दिनों में इनको यह सॉल्व करके देने की कोशिश करूँगी। मोदी जी के जन्मदिन पर यह ठाकुर कॉम्प्लेक्स वालों के लिए एक उपहार जैसे हो जाएगा। थैंक यू।